हाँ जी दोस्तों, दूसरे लैसन विच तुहाडा स्वागत है। जिस तरह आपां पिछले लैसन विच गल कीती सी, आ टॉप ते अपना क्विक एक्सेस टूल बार, ये अपना सारा रिबन, ये अपनी शीट, ये सैल रेफरेंस दा दस्सदा है फॉर्मूला बार, ये शीट, ये नीचे अपना व्यू आ जांदा। फिर तुसी जूम इन जूम आउट करना। सो फिर आपां उपरों शुरू करते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार नाम तो ही डेफिनेशन मतलब डिफाइन होंदा कि क्विक एक्सेस टूल बार जिहड़ियां भी चीज़ां आपां क्विकली एक्सेस करनियां ने। जिस तरह आपां करसर लैके आईए इसके उपर, देखो सेव आ रहा, कंट्रोल प्लस सेव, अनडू ए, रीडू, ये आ रहा अलाइनमेंट, पिवट चार्ट, ते नीचे फिर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। सो आप राइट क्लिक करांगे इसके उपर, उस तो बाद कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार ते क्लिक करांगे। नीचे अपनिया आ गया कि जड़ी जड़ी आप देखो सेव, अंडू, रीडू, अलाइनमेंट ते पिवट चार्ट दी अपनी कमांड्स आ गई राइट साइड। ये अपना क्विक एक्सेस टूल बार है जिस दे विच जिहड़ियां जिहड़ियां कमांडा इस दे विच ऑलरेडी ऐड ने। यह साइड जिहड़ियां आपां कमांडा इहदे विच ऐड कर सकते हैं। सो आपां करांगे ऑल कमांड्स ते क्लिक करांगे ते इस दे पास आपां ऐड करते हैं प्रिंट, पी ते जावांगे डायरेक्टली, आ गया अपना प्रिंट। सो आप ऐड कर रहे हैं प्रिंट प्रीव्यू, उस तो क्लिक करना है, ऐड दबना है, देखो अपनी ऐड हो गई। दूसरा पिक करना है सेव एज, ये देखो इकला सेव है, आप इस सेव एज ऐड करांगे। सेव एज क्लिक किया ऐड, इस दे विच होर भी तुसी बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, मैं तुहाडे ते छड्डदा कि तुसी की इस विच ऐड करना चाहो। कोई फॉर एग्जाम्पल तुसी कैलकुलेशन कैलकुलेटर ऐड कर सकते हो, कैमरा ऐड कर सकते हो, जां मतलब जिन्नियां भी कमांड, कोई भी कमांड इस दे विच जिहड़ी भी तुसी ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, जां तुसी बॉर्डर ऐड करना चाहोगे। इस पर आपां डिटेल च अगे भी गल करांगे। जिवें जिवें तुसी प्रोग्रेस करोगे एक्सल दे विच, तुहाडी अपनी चॉइस होगी तुसी की ऐड करना चाहते हो विच। सो इस दे विच रिमूव करने लई सिंपल जी गल है कि अलाइनमेंट आपां इत्थे रिमूव करते हैं, क्लिक करना है अलाइनमेंट ते आपां रिमूव कर देना। उस तो बाद आपां करना है ओके। आ देखो तुसी उपरली क्विक एक्सेस टूल बार दी अपनी जिहड़ी है ये अपना चेंज हो गया। अगे अपना दोस्तों नीचे आने क्योंकि एक्सेस टूल बार अपना कवर हो गया, नीचे आने आप अपना फाइल ते जावांगे। फाइल ते जाके आप नीचे आके ऑप्शन क्लिक करांगे, अगे अपनी सैटिंग्स आ जांदियां ने की सैटिंग्स तुसी चेंज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल तुसी जदों भी आपां कोई नवी वर्कबुक क्रिएट करनी है, उसका फोंट साइज, उसका टाइप, न्यू शीट की वैल्यू, ये चीज़ें तुसी इत्थे कस्टमाइज कर सकते हो। तो नीचे आएगा ऑफिस थीम तुसी ऐड कर सकते हो। ऑफिस बैकग्राउंड तुसी चेंज कर सकते हो। नीचे आता फॉर्मूलाज, इस दे बारे आप डिटेल च थोड़े लैसन बाद गल करांगे क्योंकि आप हजे बेसिक्स ही कवर कर रहे हैं। सेव जड़ी ऑप्शन है, कई बार की होंगे कि एक्सेल थोड़ा क्रैश हो जाता किसी कारण करके,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੇਵ ਆਟੋ ਰਿਕਵਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਵਰੀ 10 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਡਿਫੋਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੈਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਵਰੀ 4 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਵਰੀ 4 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹ ਸੇਵ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸੇਵ ਹੋ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਲੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਟੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਜਦੋਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਿਫੋਲਟ ਲੋਕਲ ਫਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਈਜ਼ ਆਫ ਐਕਸੈਸ ਆਰ ਐਡਵਾਂਸ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਬਲ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੋਰਟਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਐਡਜ਼ਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਸ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥੀਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਵਾਈਟ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਮ, ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੇਸਟ ਹੈ, ਪੇਸਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਕੱਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਾਪੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, 1 2 3, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ, ਕਾਪੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੀਮ ਫੋਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਇਟੈਲੀਅਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੋਰਡਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਥਿੱਕ ਬੋਰਡਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਬੋਰਡਰ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਲ ਬੋਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਂਟ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਟੈਲੀਅਨ ਕੇ ਇਟੈਲੀਅਨ ਹੈ ਇਟੈਲਿਕ ਹੈ ਸੋਰੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜੇ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਆ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਪਲ ਫਿਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਯੈਲੋ ਫਿਲ ਕਰਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਰੇਡੀ ਬੇਸਿਕਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਬੇਸਿਕਸ ਵਾਲੇ ਸਕਿੱਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਸੈੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ। ਰਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। उस तो बाद अलाइनमेंट इतों भी चेंज कर सकते हो, ये थोड़ी सेंटर चाहती सीधी ये जिमें मर्जी कर सकते। ये आप स्किप कर दें फिलहाल, अगे अपना आता रैप रैप टैक्सट। कई बार की होंगे कि सैल अपना छोटा होंगे, देखो हम अपनी वैल्यू जी बाहर जा रही है, अपना सैल एडजस्ट नहीं कर रहा। जो आप इतने क्लिक करके रैप टैक्सट कर देवे तो अपना जो वैल्यूज रैप हो जाएगी, अपना सैल की ऑटोमैटिक जी वो वड्डा हो जाएगा। फिर रैप सैल किया आप, हूँ देखो इस बार नहीं होगा क्योंकि अपनी सैल्यू वैल्यू स्पेस इनफ है। छोटा करके इनू करा रैप टैक्सट, देखो वैल्यू चेंज हो गई। अगे आ गया दोस्तों मर्ज टू सेंटर। मर्ज टू सेंटर हैगा जो तुसी किसी सैलां नू मर्ज करना। फॉर एग्जाम्पल इत्थे तुहाडी वैल्यू थ्री, सॉरी थ्री नहीं, तुहाडा कोई वड्डा है नहीं है, मैं डिलीट कर दा। एक्सल ट्रेनिंग सेंटर पटियाला की अपनी एक चार्ट बनाने वे स्टूडेंट ने ए पी सी डी, उस बाद उन्होंने स्टूडेंट ने एज आईडी उन्होंने सो दस अपने को स्टूडेंट स्टूडेंट्स का डाटा है। पर देखो ये जो सैल है अपना एक सैल के वैल्यू है, आ सैलों के वैल्यू कोई नहीं है। सो आप इन सैलों टॉप वाले सैलों मर्ज करके एक हैडिंग बना सकते हैं। इसलिए अपन जोड़े सैल मर्ज करने उन्होंने सारे सिलेक्ट करना होगा, मर्ज टू सेंटर करना होगा। हम देखो ये मर्ज होके सारा सैल एक हो चुके हैं। देखो स्टूडेंट नेम पूरा नहीं सी आ रहा, आप जो रैप कर दिए वड्डा हो जाएगा। पर आप इन इतना ड्रैग करके, सो ड्रैग करने लिए आप उन्होंने मिडल इदा करसर लेके आना, वह साइन देखिए तुम करसर तो चेंज हो चुके हैं, क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। उस सैल जी है वाइड हो जाएगा, छोटा भी कर सकते हैं। पिछले लैसन जिमें आप कवर किया सारे सारे कॉलम नू सिलेक्ट करने लिए आप उस उपर करसर लेके जावे, एरो डाउन एरो आ जाएगा, उसको आप क्लिक करांगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगे आप चलिए अगे अपना है गया कि अपने वैल्यू की एड विच हैगी। आप तीन तरह की वैल्यू होंगे एक्सेल दे विच, एक टैक्सट, दूसरा डेट, तीसरा नंबरस। तीन वैल्यूज ही अपने एक्सल जो चकता है। ज़्यादातर की होंगे कि एक्सल ऑटोमैटिक रैकगनाइज कर लेंगे कि टैक्सट है या वैल्यू है या डेट है। जिस तरह 12 /12 मैं एंटर किया ऑटोमैटिकली रैकगनाइज कर लिया कि डेट है 2012 ऑटोमैटिकली आ गया। जे मैं 12 12 12 एंटर करा
तैने रेकोगनाइज कर लिया कि नंबर है। आ देखो उपर डेट आ गया इतने, जो मैं इतने क्लिक किया ये जनरली आ गया। पर आप इन्हों सिलेक्ट भी कर अपने तरीके भी सिलेक्ट कर सकते, जिस तरह मान लो मैं एंट्री का 40 जो मैं इतने क्लिक करके डेट करा तो देखो डेट्स चेंज हो गया। ये वैल्यू भी डेट्स चेंज हो गई। सो आप किसी वैल्यू नू अपनी मर्जी ना उन्हें नाम दे सकते हैं कि असी कि जिमें देना चाहते हैं। जो मान लो इन सिलेक्ट करके मैं इनू टैक्सट देता, इन्होंने सिलेक्ट करके मैं देता करंसी है। देखो हम करंसी आ गया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सिलेक्ट करके मैं परसेंटेज देता, देख सकते हो तुम वैल्यूज ऑटोमैटिकली चेंज हो जाती है। जो तो साइन रिमूव करना है ऐड करना है तो ये पा दो ताकि साइन भी आ जाएगा। परसेंटेज बना परसेंटेज आ जाएगी। जो डेसिमल पॉइंट खत्म कर रहे ने, देखो डेसिमल पॉइंट बढ़ रहे ने, जो डेसिमल पॉइंट खत्म करने इधर दब दो डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाएंगे। अगे दोस्तों अपना आता कंडीशन फॉरमैटिंग, इस बार आप अगे गल करा क्योंकि थोड़ा एडवांस आ जाता। हम आप बेसिक्स कवर कर रहे हैं सिर्फ। इनसर्ट तुहानू इस पर फोकस ज़्यादा ना करो क्योंकि आप कोई भी इनसर्ट करनी चीज़ आप राइट क्लिक करके इनसर्ट कर सकते हैं। सैल इनसर्ट करना है तो आप इनसर्ट इस तरीके ना भी कर सकते हैं। तो ये सैल नू राइट शिफ्ट करना है, डाउन शिफ्ट करना या इंटायर रो तुसी इनसर्ट करनी या इंटायर कॉलम इनसर्ट करना है, तुसी इस तरीके ना भी कर सकते हो। जस्ट क्योंकि ईजी टू एक्सेस है, अपना माउस इतने लैके जाओगे उससे बजाय तुसी राइट क्लिक करो इनसर्ट इस तरीके ना भी कर सकते हो। अगेन तुसी अपना एरो इत्थे लैके आओगे, कर्सर इत्थे लैके आओगे, ऑटोमैटिक एरो डाउन हो जाएगा। तुसी सारी रो सिलेक्ट करके राइट क्लिक इनसर्ट उधर इनसर्ट होगी, इत्थे शो कर दा राइट क्लिक इनसर्ट। देखो बेच एक इनसर्ट रो इनसर्ट होगी। एक्सेल कुछ चीज़ा ऑटोमैटिकली रैकोगनाइज कर लेंदा। देखो आप पहले तीन सैल मर्ज किए सी ऑटोमैटिकली, जो चौथा सैल इनसर्ट होया वो भी ऑटोमैटिकली मर्ज हो चुके हैं। अगेन फॉरमैट भी इत्थे ही कवर हो जाता है। सिलेक्ट करो राइट क्लिक फॉरमैट इत्थे कर सकते हो, डिलीट भी तुसी इत्थों ही कर सकते हो। अगे ये अपना आ गया, फिर थोड़ा एडवांस आ गया, आपां इस बारे अगे गल करांगे दोस्तों। अगे आ गया अपना इनसर्ट। इनसर्ट दे विच पिवट टेबल एडवांस लैसनां दे विच कवर करांगे। आपां हजे टेबल की गल करते हैं। हुण इसनूं आपां टेबल बनाना चाहुंदे हां, उहनूं सिलेक्ट करांगे, टेबल क्लिक कीता। हुण इह पुछ रिहा माई टेबल हैज़ हैडर्स। सो अपने टेबल के हैडर हैडर्स होंगे ने, जो उन्होंने उपर हैडिंग्स ने, स्टूडेंट नेम एज ये अपने उन्होंने हैडिंग ने। सो अपने टेबल के ऑलरेडी हैडिंग है ने, क्लिक कर देंगे कि करता अपना टेबल इंसर्ट हो गया। अपना ऑलरेडी ये वैल्यू सिलेक्ट की हुई ने, तो इसमें आप फॉरमैट चेंज भी कर सकते हैं। प्लेन फॉरमैट करता अपनी मर्जी ना कोई होर फॉरमैट भी कर सकते हैं। तो प्लेन ही रखते हैं इतने, ज़्यादातर वैसे ईजी रहा है क्योंकि ये वैल्यू रैकोगनाइज करनी ईजी हो जाती है। सो पे कर दें तो आप सैल तो बाहर क्लिक कर देवे। सो इनसर्ट दे कोई पिक्चर्स इनसर्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप 20 मिनट तो ज़्यादा लैसन ना रखिए क्योंकि एक्सल दे विच बहुत ही ज़्यादा कुछ है जो कि सीखने वाला है। तो जे आपां लैसन अपना शॉर्ट एंड शॉर्ट रखांगे तो ज़्यादा वधिया, क्योंकि जे मैं घंटे घंटे तो लैसन बना भी दिते तो
उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अपना दिमाग बहुत सारी चीज़ों इनफॉर्मेशन नू अपने अंदर लै रहा, सक कर रहा। सो नैक्सट लैसन दे विच आपां बाकी चीज़ां कवर करांगे। फिलहाल तुसी इस लैसन नू थोड़ी प्रैक्टिस कर लवो, और नैक्सट लैसन च तुहानू मिलदे हां। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन होया तुसी कॉमेंट्स दे विच कॉमेंट्स करके पूछ सकते हो, जां कोई भी चीज़ तुहानू समझ ना लगी होए जां मिस करके होवां मैं, तुसी कॉमेंट दे विच प्लीज़ मैनशन करियो, जां आपां नैक्सट लैसन दे विच कवर कर देंगे, जां आपां उहदे लई स्पैशल एक वीडियो बना देवांगे। Thank you so much.